करते हैं सियारों की। सियारों क्या है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है लैब के अंदर। मतलब कोई भी वेव फॉर्म हमें देखनी है, चाहे फिर वो मतलब साइन कोस की फॉर्म में हो, साइनोसोइडल वेव हो, या ट्रायंगुलर हो, स्क्वायर हो, किसी भी तरीके की वेव फॉर्म हो, तो हम सियारों की हेल्प से उसको देख सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा फास्ट वेव्स को प्लॉट करता है, तो इसको बोल सकते हैं कि एक्स वाई प्लॉटर भी सबसे ज़्यादा फास्ट है ये। और सबसे मेन बात, सीआरओ इनपुट और आउटपुट सिग्नल दोनों को साथ में शो कर देता है, तो इसलिए हमें और ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। अब सीआरओ काम करता है किस बेसिस पे? सीआरओ का मेन हार्ट जो है वो है सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट काम करता है सबसे मेन, सबसे बेसिक, उसके बिना तो कुछ काम नहीं करेगा, उसी तरीके से सीआरओ के अंदर सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब काम करती है। बाकी और सारे जितना भी सिस्टम लगा होता है वो सिर्फ इसको सपोर्ट करने के लिए लगा होता है, इसके बिना कुछ काम नहीं होगा। तो सबसे बेसिक क्या है? सीआरटी अपनी कैथोड रे ट्यूब, कुछ इस तरीके की अपनी ट्यूब होती है कैथोड रे ट्यूब, जिसके अंदर सबसे इनिशियली क्या होता है? सबसे इनिशियली होता है इलेक्ट्रॉन गन, देन उसके बाद डिफ्लेक्शन सिस्टम, और फिर फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अब इलेक्ट्रॉन गन के अंदर क्या होता है? यहाँ पे एक हीटर लगा होता है, बेसिकली मेटल की सरफेस के अंदर ही किसी तरीके से एडजस्ट किया होता है, जो इस मेटल को हीट करने का काम करती है। और फिर इस हीट से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, जो कि स्टैट में हम पढ़ते हैं कि थर्मोडायनेमिक एमिशन, कि हीट होने की वजह से कुछ एटम्स, कुछ आयंस बाहर रिलीज हो गए, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और अरेंजमेंट पर्टिकुलर सेटअप होती है जिससे वो एज अ बीम फॉर्म में बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें और होती हैं, कुछ बटन्स होते हैं अपने सीआरओ के ऊपर जो उसकी इंटेंसिटी को, फोकस को कंट्रोल करने का काम करते हैं, कि भाई आप कहाँ पे उसकी इंटेंसिटी को ज़्यादा देखना चाहते हो। अगर आपको नहीं शो कर रहा है, हम उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करके देख लेते हैं, या फिर फोकस नहीं कर पा रहे तो फोकस कर लेते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पे एक नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। नेगेटिव पोटेंशियल क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है? इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो अगर यहाँ से हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से लिंक है, और ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिपेल करने का काम करेगा। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल होकर आगे एज अ बीम फॉर्म में बहुत ईजिली चले जाएंगे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम गई, उसके बाद आता है डिफ्लेक्शन सिस्टम, कि भी इलेक्ट्रॉन बीम को हमें एक्स में डिफ्लेक्ट करना है या वाई में डिफ्लेक्ट करना है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर शेप बनानी होती है, चाहे वो साइनोसोइडल, स्क्वायर वेव, रेक्टेंगुलर, कोई भी हो। तो उसके लिए हम पर्टिकुलर प्लेट्स का यूज़ करते हैं। एक्स कंपोनेंट में चेंज करने के लिए अलग से प्लेट होती है, वाई कंपोनेंट के लिए अलग से प्लेट होती है, और जो कि हमारे बाहर बटन भी शो होते हैं कि आपको एक्स में शिफ्ट करना है, वाई में शिफ्ट करना है, यानी कि आप एक्सिस को भी चेंज कर सकते हो। आप एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस बना सकते हो, वाई को एक्स भी बना सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन बीम एज सच हमें जैसे चाहिए थी उसी तरीके से डिफ्लेक्ट होते हुए लास्ट में हमारी फ्लोरोसेंट स्क्रीन से स्ट्राइक करती है। इस स्क्रीन के अंदर बेसिकली क्या होता है? अंदर एक लेयर होती है, मतलब कोटिंग, जैसे पहले जिंक ऑक्साइड की कोटिंग करते थे, अभी तो फ्लोरोसेंट की कोटिंग करते हैं। इसमें क्या होगा? जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस पर स्ट्राइक करेगा, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन आया और उस इलेक्ट्रॉन ने आके यहाँ पर स्ट्राइक किया, तो यहाँ पर एक अलग से स्पार्क प्रोड्यूस होगा, ताकि उस ब्राइटनेस से डायरेक्ट पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन आया था। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो कमिंग की फ्रिक्वेंसी है वो भी हम नोट कर सकते हैं, या जो भी हम काम करना चाहिए यहाँ से कर सकते हैं। फिर बात आती है प्रिंसिपल, किस बेसिस के ऊपर सीआरओ काम करता है। तो सीआरओ सेम उसी बेसिस के ऊपर काम करता है जिस बेसिस पे हमारा ऑप्टिकल लेंस काम करता है, कि एक बीम ऑफ लाइट को फोकस करके स्क्रीन पर लगाया जाता है, जैसे कि ऑप्टिकल लेंस में होता है। सीआरओ हमें पहले से पता है कि भी फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर लाइट को फोकस करता है यूजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स के अंदर हम एक्स वाई प्लेट्स को अरेंज, शिफ्ट, डिफ्लेक्ट करने का काम कर रहे थे, वो इन्हीं फील्ड्स के द्वारा किया जाता है। फिर इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है? इसकी वर्किंग को समझने के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज है, कि आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर आपको आउटपुट मिल रही है, जिसे टाइम के साथ साथ एक बार आपकी वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, फिर मैक्सिमम, देन ज़ीरो, मतलब देन सिर्फ टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, ये एकदम से वोल्टेज डाउन आ जाती है, उसके बाद फिर से इंक्रीज, फिर डाउन, इंक्रीज, डाउन। तो मतलब डाउन तो एब्रप्टली कर रही है, एकदम से सारी की सारी डिक्रीज हो जा रही है, एकदम से जीरो वैल्यू को अटेंड कर रही है, लेकिन इंक्रीज कंटिन्यूसली हो रही है। और इसकी आउटपुट को हम देखिए एज एन आउटपुट सिग्नल, तो हमें क्या मिलेगा कि एक्स प्लेट के अंदर और वाई प्लेट के अंदर कैसे वो वैल्यू चेंज हो रही है। तो वहाँ पर जितना भी डिफ्लेक्शन होता है, तो हो सकता है हम वहाँ पे क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं,
मतलब सीआरओ के अंदर हम क्या करते हैं, कई बार डिफरेंशिएशन करते हैं, कई बार इंटीग्रेशन करते हैं। आप कौन सी अरेंजमेंट यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इनपुट सिग्नल की आउटपुट मिलती है। अब मान लेते हैं इसकी आउटपुट हमें एज ए साइनसोइडल वेव मिले, तो हमें इस तरीके की कुछ वेव्स मिलती है। ये हमारा ग्राफ होता है वहाँ पे सीआरओ के अंदर स्क्रीन पे। अब ये वाली वो एक्सिस है जिसकी मैं बात कर रही थी कि आप शिफ्ट कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि इस एक्सिस पे आपको वाई वाली वैल्यू मिल जाती है, तो हम उसको वाई कंसिडर करके चलते हैं एंड इस वाले को, मतलब आप चेंज कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर बात आती है एप्लीकेशंस क्या है सीआरओ के। एप्लीकेशन क्या है, स्टडी ऑफ वेवफॉर्म। ऑब्वियसली बेसिकली हम कर ही कह रहे थे कि आप एक इनपुट दोगे, उसके अकॉर्डिंग आप चाहे वो साइनसोइडल दो या रेक्टेंगुलर दो, ट्रायंगुलर दो, उसके बाद जो भी ऑपरेशन वो परफॉर्म करेगा हमारा सर्किट, उसके बाद हमें सीआरओ के स्क्रीन के ऊपर हमें क्या मिल जाएगी, आउटपुट ऑफ द वेवफॉर्म। फिर सेकंड एप्लीकेशन होती है इसकी, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज। अब वोल्टेज को कैसे मेजर करेंगे, जैसे आपको कोई भी वेव के आउटपुट मिल रही है, तो उस वेव के आउटपुट में जैसे ये ग्राफ था हमारा, इसमें इनके नंबर ऑफ ये जो हमारे बीच में क्या बोलते हैं गैप्स होते हैं, इनको स्टडी करके इनके अकॉर्डिंग हम वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं कि पर्टिकुलर हमें आउटपुट में कितनी वोल्टेज मिल रही है। तो सीआरओ की एक और एप्लीकेशन क्या बोल सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज भी ये करते हैं। फिर वोल्टेज को मेजर कर रहा है तो करंट को भी मेजर करेगा, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस तो हर एक चीज़ के अंदर होता ही है। तो वहाँ पे हम एज अ करंट मेजरमेंट भी सीआरओ को यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ क्या करें, जो भी हमारे पास वोल्टेज मिल रही है उसको कोई भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से अप्लाई करेंगे तो हमारे पास करंट क्या आ जाएगा, वो पर्टिकुलर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। फिर आती है एक फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी की मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के केस में हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारे आउटपुट मिल रही है, जस्ट एग्जांपल ये जो हमारे सिग्नल था, इसमें अब वो एक्स के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी है, वाई के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी है, उसके अकॉर्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसी मेज़र होती है। फिर एक आता है मेजरमेंट ऑफ फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या, मतलब जो भी हमारे एक्स और वाई के अंदर हमारी वेव कितने फेज के अंदर चल रही है और उसका इनपुट के साथ में क्या फेज है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल अल्टरनेट फेज में हमें मिलती है कि 180 का फेज डिफरेंस आ जाता है, लेकिन कई बार वो सेम फेज में चलती है, तो उसका पर्टिकुलर फेज डिफरेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ज़्यादा लेंथी करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक भी हम इजीली कर सकते हैं इसको बस।